विवेक वासवानी एक बॉलीवुड अभिनेता, लेखक और निर्माता हैं। वह ज़्यादातर उन फिल्मों में दिखाई देते हैं जो वे निर्मित करते हैं और ज़्यादातर उनकी फिल्में शाहरुख खान की हैं। एक निर्माता के रूप में विवेक वासवानी की पहली फिल्म शीर्षक किस बाय किस, जो 11 लाख रुपए में की गई एक मराठी फिल्म थी। फिल्म का निर्देश मुरलीधर कापड़ी ने 1986 में किया। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने 1991 में पत्थर के फूल के साथ शुरू होने वाली विभिन्न फिल्मों में छोटी भूमिका निभाई। 1992 में विवेक ने शाहरुख खान अभिनेता सुपरहिट फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में लवचंद कुकरेजा नामक एक चरित्र की भूमिका निभाई और साथ ही मैंने प्यार किया, सोल्जर, आप लौट चले 1999, तेरा जादू चल गया, जोश 2000, मैंने प्यार किया 2005, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस 2008 जैसी हिट फिल्मों में भी दिखाई दिए। सिस्मता जयकर, जतिन कनखिया और दिलीप जोशी के साथ उनकी प्रसिद्ध श्रृंखला कभी कभी थी। उन्होंने पंकज कपूर के साथ जवान संभलके में भी काम किया। साथ ही बता दें कि विवेक पासवान जी को विभिन्न मंचों में सम्मानित कई बार किया गया। उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव भी है। वे कई बार उत्तराखंड भी आ चुकी हैं और जितनी बार भी उत्तराखंड आते हैं उनका लगाव साफ झलकता है। वही दूसरी ओर आपको बताते हुए चलें कि टीवी और फिल्म जगत के दिग्गज कलाकार विवेक वासवानी को वाव सिंधी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। विवेक वासवानी लंबे समय से एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर के तौर पर सक्रिय रहे हैं। उन्होंने हिंदी भाषा के अलावा अन्य भाषाई फिल्मों में भी कार्य किया। एक लंबे समय से सिनेमा में योगदान देने वाले विवेक वासवानी ने कहा कि मुझे सिंधी पर गर्व है। इस शानदार कम्युनिटी का हिस्सा बनना मेरे लिए भी गर्व की बात है। मुझे इस पुरस्कार को पाकर अत्यधिक खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सिनेमा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लेखन करूंगा। और साथ ही उन्होंने अपना विशेष संदेश लाइव उत्तराखंड के माध्यम से जनता को दिया। हाय, आई एम विवेक वासवानी एंड यू ऑल नो मी एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर एंड आई हैव बीन सो फॉर द लास्ट 40 इयर्स। आई एम आल्सो द डीन ऑफ द स्कूल ऑफ कंटेंपरेरी मीडिया एट पर्ल एकेडमी and I'm very proud that I've made this transition from film and cinema to education and academics, which is what we Sindhis are known for. Thank you, Wow. Thank you, Shobha Arya. Thank you, Pradeep, for this outstanding award, and thank you for acknowledging all my achievements, both in the film and in the television space. I'm very proud to be a Sindhi. I'm very proud to be part of a wonderful community. I'm very happy to receive this award and I'm hoping that I make many more strides, both in the field of cinema and in the field of education in time to come. God bless you all always.